मर्सिडीज कोई आम ताम थोड़ी ना। हाय हाय हाय, सलाम वालेकुम तमाम दोस्त मेरे भाई, कहते हैं बब्बर शेर, सारे भाई ठीक ठाक है, जबरदस्त है। पाकिस्तान में आए, हमारा पहला दूसरा दिन है मेरा भाई। आज आपका भाई रेडी शेडी हो गया, ग्लासेस लग गए, फुल जेंटलमैन बन गया, बाहर निकल के दिखाते हैं आपको भाई लग कैसा रहा है। और आज हमने जो काम कराने हैं वो अपनी लनो रानी के कराने हैं, क्योंकि आपको पता है आपके भाई की वो गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड कैसे है यार, वो हमारे साथ रहती है 24 घंटे, हमें इधर लेके जाती है उधर लेके जाती है, और आने वाले दिनों में हमारा प्लान बन रहे हैं बड़े लंबे लंबे। तो जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आप लोगों से मेरा बड़े लड़ाई झगड़े हो जाने लगी कसम। और अभी हमने ना बस मैंने बताया, जल्दी जाके चैनल सब्सक्राइब करो और फिर आगे चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। वो क्यों? क्योंकि आज हम बच्चों से भी मिलने जाएंगे, दूसरे वाले तीसरे वाले सबसे, सबके रिएक्शन नोट करेंगे। क्योंकि अभी जो व्लॉग है वो जो कल बना था वो तो रात को अपलोड होगा, लेकिन उससे पहले हम बच्चों से मिल आएंगे, उन्हें पता नहीं लगेगा कि चाचू उनका पाकिस्तान आ गया है, क्योंकि मैंने किसी को बताया भी नहीं था और बताना था भी नहीं, क्योंकि सरप्राइज देने थे। पापा के साथ भी छोटा सा पापा के फिर रोने लग गए थे, तो फिर मैंने वीडियो शीडियो नहीं बनाई, तो वो मज़ेदार नहीं आता, मज़ेदारी नहीं बनती ना। तो बस फिर अब सबसे पहले अब्बास के पास चल लेते हैं, वो जो गाड़ी गिरी थी पार्क वाले शो में, याद होगा आप सब भाइयों को। और आज हमने उसके अंदर नहीं अभी नहीं बता रहा, वीडियो को पूरा वॉच करो, देखो कंप्लीट, फिर मुझे बताना कि आज जो मैंने गाड़ी के साथ किया सही किया गलत किया। और चैनल को जो मेरे सब्सक्राइब नहीं कर रहा ना, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और अब इंशाल्लाह जो ब्लॉग आएंगे ना मज़ेदार किस्म के आएंगे, और दुबई वाले जो सारे काम थे अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका भाई बिल्कुल टन ओके की रिपोर्ट है, अब इतने दिन लगा के नहीं आया करेंगे, हम थोड़े दिन लगाया करेंगे, आ जाया करेंगे, जाया करेंगे, आ जाया करेंगे। और वहाँ पे यार ब्लॉग क्यों नहीं बनाई, कि भाई खबारी बहुत थी, सीधी बात जो है, वो साहब भाई आपके सामने थे नहीं, वो पाकिस्तान में थे, गाड़ी होती नहीं है, गाड़ी के बगैर आपके भाई घूमने की आदत नहीं है, टैक्सियाँ भाई जान लेती हैं, 3-3 घंटे जाया करती हैं, मेरे से भाई इतना सफर उधर हालत नहीं होती। अब जब जाएंगे सबसे पहला काम अपना लाइसेंस बनाएंगे, ताकि आप लोगों से नई नई जगहें लोकेशन है जॉब्स वगैरह हर चीज़ शेयर किया करेंगे। तो इंशाल्लाह टेंशन नहीं है, अभी हमारे बड़े दिन है, इजी हो गए, रिलैक्स हो गए, चिल करके फिलहाल तो बर्फबारी देखने का दिल कर रहा है। देखो आज निकलता हूँ, कल निकलता हूँ, परसों निकलता हूँ, तरसों निकलता हूँ, जैसे निकला आप लोगों से भी शेयर करेंगे, मजे मजे के ब्लॉग आने वाले हैं। बस मैं आपको बता रहा हूँ रेडी हो जाएं, अब बस जो होने वाला है ना, अभी आपका भाई फुल एक्टिव हो गया, अभी डेली डेली आपके भाई ने वीडियो देनी है आपको डेली बिला ना का। तो बस देर नहीं करते, मतलब बातें नहीं करते, सूट आपके भाई पर कैसा लग रहा है वो बाहर मानो कहते हैं, वो दिखाएगा अभी आपका भाई रूम में, बस निकलते हैं बाहर जल्दी। अरे तो यार बाहर निकल आए थे हम, और अब्बास को कॉल कर दी है, अब्बास साहब कहते हैं जी मैं मॉडल टाउन हूँ, मैं गाड़ी स्टार्ट करने आया हूँ, वहाँ वर्कशॉप चले गए, तो वहाँ मेरा दूसरा लड़का बैठा हुआ है, तो मैंने कहा यार तुम आ जाओ, पता नहीं वो मुझे मिलता है या नहीं मिलता, चलो लड़का बैठा होगा, लड़के को बता देंगे भाई इसको चलाओ, एक तो झटके भी मार रही है, देखते हैं इसके अगर ट्रेनिंग श्यूनिंग करानी, ट्रेनिंग तो लास्ट टाइम कराई थी, लेकिन अभी सफ़र पे निकलना है, इसने लंबे छोटे सफ़र पे निकलना है, वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि किधर जाना है। आप भी कहते होंगे इसको ना बेचैनी है, ये अभी आया है अभी इसने फिर जाना है, यार ये जिंदगी के हिस्से हैं, ये साथ साथ चलते रहेंगे, बंदा इन्जॉयमेंट करता रहे, घूमता फिरता रहे फिरता रहे, बस क्या कमल बात नहीं है। बर्फबारी देखने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, तो आज बड़ी ज़बरदस्त खानदानी किस्म की बर्फबारी हो रही थी मरी में, तो देखता हूँ आज का दिन अबीर है, आज भीड़ है, चलो देखता हूँ कब निकलता हूँ कब नहीं निकलता। बाहर जाने का बड़ा दिल कर रहा है, बहुत से ज़्यादा दिल कर रहा है, बीच में लाहौर का भी स्टे मारेंगे और लाहौर के साथ फिर मरी भी जाएंगे, या पहले मरी चले जाएंगे वापसी भी लाहौर का मार लेंगे, जिस तरह भी होगा जैसे होगा वो आप लोगों को तो पता लगता ही रहेगा। उससे पहले ज़रा रहमान को कहेंगे हमारी तरफ दिखा दो ज़रा, बल्कि वहाँ उधर के वर्कशॉप में ज़रा देखते हैं आपका भाई लग कैसा रहा है, बड़े दिनों बाद शलवार कमीज के दीदार हुए हैं, टैंकी आपके भाई की बड़ी होगी है दोबारा, क्योंकि वहाँ पे भाई खुराक शुराक खाई है आपके भाई ने, तो दबा के अन्य वाह किस्म की रोटी छोटी मंड के खाई है आपके भाई ने, 3-3 टाइम खाता था, तो अभी पेट शेट निकल आया, कल वाली वीडियो में भी देखा होगा आपने कि वो टम्मी में नहीं निकल आ रही है, इसलिए मैंने शलवार कमीज पहन ली उसको छुपाने के लिए, और मैंने कहा भाई आप लोग ये ना कहें भाई इसका पेट निकल जा रहा है, तो अभी डाइट शाइट जिम शिम दोबारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो अभी रमजान आने वाले वैसे भी रोजे शोदे रखेंगे, तो खुराक शुराक अपनी कम करेंगे फिर डाइट शाइट करेंगे तो बेहतर मामला हो जाएंगे। और इससे तो मिल लो, तुम कहाँ थे, तुमने हमें याद किया रमान, कितना याद किया तुमने, कोई याद नहीं किया, बकवास कर रहा है, कह रहा शाबाश है, 30 दिन में इसने 13 फोन भी नहीं किया मुझे कि भजन मैं जिंदा हूँ किधर हूँ, ये चला गया था अपनी दोस्तों के पास, ओ अपने घर चला गया था, कहाँ गया था भाई, घर गया था, घर जाके क्या किया तुमने, घर वालों को टाइम दिया,
कौन कौन से घर वाले हैं, किस किस को टाइम दिया तुमने? रहमान है, सही से बता दो। अम्मी अबू नानी और भाई, और सोच लो। सोच लिए, झूठ बोल रहा है, बकवास करता है ये बंदा। ठीक है जी, अभी उससे पहले तरह अब्बास ज्यादा बातें नहीं करते, अब्बास पे चल लेते हैं। आगे नहीं गाइड, बास साहब के पास अब्बास साहब तो नहीं है, और ये छोटे अब्बास साहब बैठे हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो वैसे ठीक है आपकी? आप जरा बाहर आना पसंद करेंगे? जरा बाहर आ जी, अगर गाइड तेरे को दान हो जाए फिर मिलते हैं आप लोगों से। खत्म हो गई है जी, हम आ गए नीचे एक डक के अंदर, और यार इसका बूट मेरे ख्याल कुछ फटा हुआ है। स्टीयरिंग का बूट फटा हुआ है, फटा हुआ है ना स्टीयरिंग का बूट, ये मंगवा के लगाओ फटाफट, स्टीयरिंग का बूट फटाफट लगवा लो। और ये जो गिरी है तो अब अलाइनमेंट करा ले तो बेहतर है, या तुम चेक करोगे कुछ? चेक कर लेते हैं। चेक कर लो मेरी जान, तुम्हें पता है फिर मजा नहीं आता। हालांकि कल ही तो हवा भरवाई है, इसके टायर फिर नीचे क्यों आने पड़े? इतनी होता ही है, इतनी होते हैं। और कुछ चीज मामला, कोई इसके मसले मसाइल साथ साथ देख लो, फटाफट देख लो इसको। बाकी ठीक है सर, ठीक है भाई, इसको ठीक करो यार। तुम बैठ के देखना चाहते हो बैठ के देख लो, तसल्ली करना चाहते हो कर लो। मेरा स्टूल ले आओ, तो हम ऊपर जाए। एक और इन्होंने कबाड़ खोला है, अभी हम इसके ऊपर खड़े होके नहीं नहीं ऐसे भी रख देंगे। रुमाल जरा पकड़ा, जरा ऊपर आए जरा, किधर पास गए? अभी चेक कर लेंगे क्या मसले मसाइल हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं भाई क्या हुआ है बेचारी के साथ। बाकी काफी दिन हो गए आप लोगों ने देखे नहीं है, देख लो देख लो देख लो, मैंने बड़े दिनों बाद देखी है, आप लोग भी देख लें। जो जो भाई भी इसे प्यार करता है कमेंट में बताए किस किस भाई को ये गाड़ी प्यारी लगती है। बाकी इधर हमारे मिस्त्री साहब जो हैं ये देख लें क्या मसले हैं, और फिर आप लोगों को बताते हैं क्या हुआ है। बड़ा ऑपरेशन हो गया, एक मिनट भाई जान, एक मिनट से बड़ा ऑपरेशन हो गया गाड़ी इसका, ये खुल चुकी है यहाँ से, और ये जा रहे हैं सामान सामान लेने। मैं अपने व्यूअर्स को तो बता दें कि हुआ क्या था बेचारी के साथ। एक तो इसका यह फट गया था, ये स्टेयरिंग का बूट फट गया था, और ये वाला भी फट गया था, ये टायर राड भी फट गया था उस दिन खड्डे में, जो जोर से गिरी थी। ये इतनी नाजुक लड़की है, ये थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त नहीं करती। अब जल्दी जल्दी लेके आ जाओ, धूप देख रहे हो? खैर धूप तो दुबई में भी बहुत थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मौसम खुशगवार है, अच्छा मौसम है। हम कोई बात नहीं, हमने चेयर मंगवा ली है, हम यहीं बैठ जाते हैं और आप लोगों से डिस्कशन करते हैं, गपशप करते हैं। यार बच्चों की बड़ी याद आ रही है, बड़े दिन हो गए बच्चों से नहीं मिले, बच्चे मैं कल गए होंगे स्कूल। टाइम देख लेते हैं क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 2। अभी वो कहता है कि इसका अलाइनमेंट भी ख़राब है, अलाइनमेंट भी जाकर करवा लेते हैं। वो तेरी माँ की, ये कौन सा शॉक सिस्टम लगाया है उन्होंने कुर्सियों में? तो खड्डे हो गए आपके भाई का, पता नहीं ज़्यादा हो गया भाई, ये ज़मीन में ही खड्डे हो गए भाई, ज़मीन में ही खड्डे हो गए यार। करते हैं भाई, सोचते हैं यार, आप लोग ना परेशान हो यार, सोचते हैं भाई इस बारे में सोचते हैं। फाइनली हमारे जो शाइन के तैयारे थे वापसी लैंड हो गए हैं। ये ले आए हैं, क्या लेके आए हो सारी दिखाना? एक तो ये करीम लेकर आए हैं भाई, दिखाना। ये ग्रीस है, करीम है, करीम है, ये करीम है जी, ये मंजन करने के काम आती है, जिसके दांत पीले शीले हों, जैसे कि ये दांत पीले हों तो ये लगाएं तो माशाल्लाह रवा हो जाएंगे उसके दांत, है ना साजी? और क्या लेके आए हो? ये बूट है स्टीयरिंग का, ये बूट है जी, इसको पहन के आप कहीं भी स्कूल वगैरह जा सकते हैं, स्कूल कॉलेज कहीं भी आपका दिल करे आप जा सकते हैं, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। अब इसको पहनना कैसे है वो, ये क्या लेके आए जी? ये एंड बूट है इसका, ये दूसरा बूट है जी, यानी कि अंगूठे के ऊपर आपका जो पाँव का अंगूठा है उसके ऊपर पहन के आप निकल सकते हैं कहीं भी। टेंशन नहीं लेनी यार किसी भाई ने भी, आपका भाई अभी है यार, और जल्दी से इसको रेडी करा लेते हैं और निकलते हैं। मेरा भाई करें यार, करें रेडी, करें साजी रेडी करें, हम अभी पाकिस्तान से आए हैं, दुबई से आए हैं पाकिस्तान आपके पास, आप हमें अभी तक खजल खारों में लगा के रखो यार, ये कोई बात है यार, कोई तरीका है यार भाईजान, रेडी करें भाई। गाड़ी जो है यस मैस हो गई है भाई, बहुत मेहरबानी। बिल बनाया जी, कितना बिल आया? बिल 1100 रुपये बस। अपनी वर्कशॉप का यही फायदा होता है कि चूना कम लगता है। अभी मैं जाता ना टोयोटा, ये कम से कम 11000 रुपये का बिल था। रमान साहब मट्टी दे दो, निकाल दो यार मट्टी, चलो जी 500 तो खुले। एक और नोट दे दो रमान साहब, मजदूरी नहीं देनी उन्हों, खुला करा के ले लें, अगर देते हैं जैसे मजदूर से देते हैं निकलते हैं। चलिए चलो अब निकलते हैं, सीधा अलाइनमेंट करवा लेते हैं और नवा शहर जाना है, फिर नवा शहर भी चल लेते हैं। गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है, क्योंकि ना इस गाड़ी के बारे में हम बताते हैं ना किसी को सामान लेने के लिए तो वो सामान महंगा कर देता है, इसलिए हम लोगों को बताते हैं कि 660 cc जापानी गाड़ी है। अगर इस गाड़ी का नाम लेके सामान लेना तो फिर वो ना उसको पता कि भाई मार्केट में गाड़ी तो है कोई नहीं, सामान के इनको पता लगता कोई नहीं है, तो इसलिए वो चूना लगा देते हैं।
कि भाई ये तो 5,000 की है, भाई ये तो 4,000 की है, इसलिए हम इसका नाम रखा है जापानी 660 गाड़ी, इसलिए सामान हमें सस्ता मिल जाता है। वो मिस्त्री ने भी यही बोला है कि सामान इस तरह इसका सस्ता मिलता है। अभी माशाल्लाह काफ़ी हद तक स्मूथ होगी गाड़ी, अब अलाइनमेंट करा लेंगे, थोड़ा सा स्टेयरिंग भारी हो गया क्योंकि अभी रवा होगी ना गाड़ी, तो फिर ठीक हो जाएगा। तो अभी अलाइनमेंट करा लेते हैं फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। एक तो पहले इसका रैंप जो है ना, ये गाड़ी नीचे लगती है, पहले टेढ़ी करके गुजारनी पड़ेगी, लगेगी तो सही लेकिन मैनेज करते हैं। ये घिसरना शुरू होगी, ये होगी होगी तेरी माँ की भाई, लगती है भाई, लगती है भाई, लगती है, टेढ़ी करके भी लग रही है, सीधी करके भी लग रही है। चलें फटाफट निकलते हैं, अलाइनमेंट करा लेते हैं, क्योंकि अलाइनमेंट जब तक नहीं होती ना गाड़ी की, जब तक गाड़ी ना टेढ़ी मेढ़ी चलती है, हवा के अंदर ना जप्पे खाती है। मगर जिस भाई को नहीं पता उस भाई को तो बता दें, जिसको पता है उसको तो फिर पता ही है ना भाई जान। चलें जी यार, दही बल्ले खाए हुए बड़ा अरसा दराज हो गया, बताबा शहर जा रहे हैं, क्या नाम था उसका, इस्लाम भाई, हाँ इस्लाम भाई के पास, उसी को कहते हैं यार दही बल्ले और बोतल तो पिला दे आज, खा पी तो हम खुद भी सकते हैं आपको पता ही है, लेकिन जो उसके जो भाई का प्यार है ना उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं अभी स्टेयरिंग काफ़ी हद तक सीधा कर दिया उसने, लेकिन फिर भी हम अलाइनमेंट करा लेते हैं, अलाइनमेंट कराना बेहतर होती है, उसी के पास चलते हैं डीडी डल अलाइनमेंट वाले के पास, डेर अड्डा जो बैठा हुआ भाई उसी से करवाते हैं, आपको पता है वो उसका काम अच्छा होता है, थोड़ा सा महंगा कोई मसला नहीं है, लेकिन काम आपको पता है कि गाड़ी का काम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी आपकी सवारी है तो सवारी रेडी होनी चाहिए, क्योंकि किसी टाइम भी आपका भाई निकल पड़ता है, आपको पता है बहुत अच्छे से पता है कि बेचैन अड्डी है, अभी चक्कर लगा हुआ है, बड़ा जोर का चक्कर आया हुआ आपके भाई को मरी का। चलो पूरा करते हैं, चला लें, इधर तो गर्मी हुई है भाई पाकिस्तान में, खैर वहाँ भी गर्मी थी लेकिन वहाँ भाई एसी बड़े चलते हैं। चलो जी चल जाओ एसी भाई, वहाँ से मैं तो गाड़ी चलानी ही भूल गया, अच्छा यहाँ से होगा, सॉरी ट्रैफिक की सोचते हैं आज दिखा के, आज मंडे है ना, वर्किंग डे है भाई। चलो भाई। फाइनली पहुँच गए जी हम, आपको पता है इधर से काम कराते हैं हम अलाइनमेंट का जो भी होता है, क्योंकि इनके पास ना जो मशीनरी है ना वो किसी के पास भी नहीं है भाई, डिजिटल मशीनरी है इनकी जदीद, अभी मैंने उनको बताया, वो लगा रहे हैं ऊपर डक पे, लड़का उनका आ रहा है अंदर जाएगा, उनको बताएगा भाई इस तरह आना है आपने। अभी आते हैं ना अंकल एक थे बाबा जी, पता नहीं क्या था वो अंकल था, मोटरसाइकिल चलाते रहते ना रोक दी, और भाई गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, तुम चल लो, चलते तो रोड के बीच में रहोगी, पर लगी उसको टक्कर, बम्पर सारा ख़राब हो गया थोड़ा सा उधर से ना, बस क्या कहूँ मैं उसको, आगे से कहता है देख के नहीं चला सकता बंदा, उससे पूछे कि भाई ये देखो सारा ख़राब कर दिया, बंदा उससे पूछे अल्लाह के पता, रोड के ऊपर मेन चलते रोड के ऊपर तुम बाइक चला रहे हो और तुम रोक रहे हो, रोक के फ़ोन निकाल रहे जेब से, मैं कहा यार कमाल कर दिया अंकल, धोती पाड़ के रुमाल कर दिया आपने, आपका तो क्या गया हमारी फिल्म चल गई, हम इसका काम कराते फिर रहे हैं आपको ख़राब करते फिर, जल्दी से पूछते हैं कि क्या मसले हैं क्या, यार इन्होंने ना ये लगा दिया इसके अंदर जैक, ये हालांकि ब्रेक लॉक और स्टीयरिंग लॉक है, हालांकि और अलाइनमेंट वाले काम नहीं करते, एक छोटी सी गलती की वजह से ना अलाइनमेंट भी ख़राब हुई है, बोर्ड भी फटा है, और वो क्या पता नहीं क्या क्या था वो आपने सुना ही होगा। तो अभी कितने परसेंट ख़राब है भजन इसमें है? अच्छा 14 पॉइंट और ये 5 पॉइंट। अच्छा ये प्लस 14 है, अच्छा सिर्फ खड्डा लगने गटर में जाने की वजह से, तो अभी इसको करें ना शदादी बनाए ना इसको, जितने आप खूबसूरत है उस तरह बनाए ना हमारी गाड़ी को, गाड़ी चलाने का मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन जब से वो काम कराए ना स्टेयरिंग में ज़रा जान आई है, अभी ये काम होने के बाद और जान आ जाएगी, और हम ज़रा टायरों का पता कर लेते हैं, फिर टायर ना खड़े खड़े हार्ड हो गए, टायरों का पता करते हैं, अगर चाइना के कुछ सस्ते अच्छे मिल जाते हैं तो लगवा लेते हैं, और रिम मेरा चेंज कराने का मूड है, लेकिन रिम मैं इसलिए चेंज नहीं करा रखी, एवरेज ख़त्म कम हो जाएगी, अब एवरेज अभी तो 18-20 की है, अगर बड़े रिम डलवाऊंगा तो एवरेज कम हो जाएगी, टायरों वाली दुकान है, दो दुकानें हैं, चेक कर लेते हैं, पता कर लेते हैं भाई क्या रेट चल रहा है, नहीं है अभी तो बजट से बाहर है, 11,000-14,000 एक टायर का रेट हुआ पड़ा, और वो भी चाइना के कंपनी के नहीं, अगर कंपनी का पता कर लो तो 21,000 रुपये का एक टायर है, यानी कि 80,000 का खाली टायर है इसके, भाई गाड़ियाँ भाई अजाब हो गए भाई गाड़ियाँ रखना, अभी तो खैर मोड नहीं है हमारा टायर चेंज कराने का, देखते हैं वक्त के साथ, अगर ये जा देते क्योंकि रिम भी साथ ही चेंज कराऊंगा तो भाई 1.5 लाख रुपये खर्चा है, तो कराएंगे भी, या देखते हैं कोई शोरूम में कोई गाड़ी हुई ऐसी आती है उसके बदलने, अगर नहीं आती तो फिर भाई पैसे लगा लेंगे देर से, हो गया भाई जन, नहीं हुआ हो गया रेडी क्या जाए हम, अब चलते हैं यार, आपको भाई ना लाइटें लगवाने की सोच रहा है, जो आपके भाई ने नीचे लगाई हुई ना, ये वाली जो लाइटें लगाई हैं फ्लोर लाइटें, ये वाली लाइटें जो लगी हुई हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि नीचे लगवाते हैं, मैंने ना गाड़ी देखी थी बड़ी प्यारी लग रही थी दुबई के अंदर ना, इधर नीचे लगवाएंगे,
एक इस लाइन में लगेगी, एक उधर लगेगी, दो लाइटें लगवाएंगे जो हमने अंदर लगाई हुई है। उससे यह अगर आपको जब चलेगी ना गाड़ी छत खोल के तो बड़ी ज़बरदस्त वाइब आती है। दुबई में ट्रेंड था तो मैंने कहा क्यों ना पाकिस्तान में भी ट्रेंड लेकर आएँ, तो बड़ी अच्छी लग रही थी। अब जाएँ अभी गाड़ी बाहर में निकालो। अंकल किधर गए हैं? चले चले खुद निकाल लेते हैं, अगर लेट है तो अभी तो हमारी जेब में गए। चले जी सीधी ना निकालेंगे मेरा भाई, हम भी ड्राइवर पक्के हैं, कच्चे थोड़ी ना। खैर इतना अर्सा हो गया आपके भाई गाड़ी चलाते हुए, मेरे ख्याल 2004 से गाड़ी चला रहा है आपका भाई, 4 से 20 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, अभी इतना भी नहीं पता लगेगा हमें। वो देखें उधर भी नज़र आ रहा है वो सारे शीशे में, ये गाड़ी की व्हीलिंग करा दी हमने, ये अभी मज़ा आ रहा है स्टेयरिंग पकड़ के, बिल्कुल सीधा सीधा स्मूथ ज़बरदस्त आ गया। 45,000 है ना, 45,000 लगाओ आप। क्यों भाई? हाँ ठीक है, वो हमारे बिल काटते हैं ना कंप्यूटर में, ठीक है, और रिकॉर्डिंग रहती है। अभी जितने दफा गाड़ी आएगी ना हमें पता होगा ये इतने दफा गाड़ी होगी। 3 दफा तो आ गया, लग रहा है 3-4 दफा आ गई है। बस वही कह रहा है ना, वो सारा को रिकॉर्ड होता है ना। अच्छा 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 आ दिया इसका मुनासिब 1500 उदा कॉपी कर लो गाइस, मैं जरा इनसे मीटिंग कर लो फिर मिलता हूं आपसे। हां भाई के बाद मेरा चश्मा लगा रहे, लगाओ, प्यारे लग रहे हो इस्लाम भाई, माशाल्लाह आपकी जो खिड़की है ना वो गायब होती जा रही है। अच्छा जी गाड़ी हमारी लग गई है, लाइट हमारी डिसाइड हो गई है कि कौन सी लगवा रहे हैं। इधर गई अभी तो ये पड़ी थी, अभी वो ले गया उठा के बच्चा, बल्कि हो रहा ये जी लाइट है वाइट, जला के दिखाना। मैंने कहा पहले चला के चेक करा दे भाई हीरो कैसे लगती है, वाइट रंग की है ये, वाइट है ना, ध्यान करना करंट नहीं लग रही तेरी सेहत के हिसाब से, काम ही ना हो जाए तुम्हारा। ये तुम्हारी बैटरी में लगा रहे हो स्विच में लगाते हो? इतनी देर लगती है जलने में लाइट? देखे जी ये तेज हो गई लाइट, देखिए इसको फ्रंट तो करके दिखाओ जरा हमें, कहाँ है इसका फ्रंट? ये तो साइड है ना, ये तो नहीं नहीं साइड वाली नहीं चाहिए हमें, हमारी दूसरी मंगाओ भाई जो जमीन पे लाइट मारेगी, तो साइड पे लाइट मारेगी नहीं जमीन पे मारेगी। जमीन पे कैसे मारेगी? मारेगी यार ये आप लगाओगे इस तरह ऊपर करके तो फिर जमीन पे लाइट कहाँ मारेगी? ये लगा देंगे ना। नहीं नहीं आप दूसरी मंगाओ, हाँ वही मंगवाओ डिग्गी वाली, वो मंगवाते हैं गाइस दिखाते हैं कौन सा वाली। यार वो नीति दूसरी लेने गए हैं, उससे पहले इस्लाम भाई ने समोसे मंगा लिए, दही बल्ले मंगा लिए, रहमान साहब तो शुरू भी हो गए। टूट पड़ो रहमान साहब टूट पड़ो, पानी आ रहा लगी कसम, वहाँ तो मिलते नहीं है समोसे, समोसे तो दबे हैं, ड्यू पिला दे मेरे दोस्त ड्यू, तुझे पता हम तो ड्यू पीने वाले हैं मजेदार। आपके भाई की उसकी गाड़ी रेडी, चला के दिखाना भैजन, ये देखें अभी तो नहीं मज़ा आएगा, ये रात में मज़ा आएगा, अभी तो आपको पता नहीं लग रहा होगा, रात में पता लगेगा। इस साइड वाली भी लग गई है और उस साइड वाली भी लग गई है, ये देखें अभी नहीं चस आएगी, रात को चस कराऊंगा चस। सलाम भाई बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दो में याद रखना इंशाल्लाह, ठीक है, और बाल कंघी कर लेना। वो अब वो तो ख़राब हुए पड़े हैं ना, कमा कम चलो रहमान चलें, आओ चलें भाई निकलते हैं, बस यहाँ से उठ जाओ भाई, ये तो नहीं सोना आज पक्का तो करने, हाँ पक्का करो भाई पक्का करो। फाइनली यार काम शाम तो हो गए, अब जरा दोस्तों से मिल लें। अच्छा जी पहुंच गए सीधा घर, बच्चों के पास जाएंगे इंशाल्लाह कल, और थक गया था आपका भाई, और चलते हैं अंदर घर के। रहमान पहले अंदर बैठा हुआ है, उससे मिलने जरा। अस्सलाम वालेकुम, किधर है पापा? आ गए? चलो जी पापा अंदर है जी, पापा से इधर है, इधर है, हेलो हाउ आर यू, हेलो 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 सुनाओ जी, आराम जल्दी कटवा आओ जी। हेलो कैसी हो आप? आप ठीक हो? हाँ जी क्या कर रहे हो जी? कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे? कैसे हो आप? बैठ ओ हो चलो बराबरी देख के आए, कैसी हो आप? अभी इतनी जा रहे जल्दी काट लें यार, इतना प्यारा मौसम हुआ, चले पापा जी कब चले बताओ? अभी तो आप उम्र में जा रहे हो, आज चले, कहाँ पे हो रही है बर्फबारी? अच्छा तो खाना लगा दो, मैं जब खाना खाएंगे खाना खा लेते हैं, आप खाओगी खाना? खाना खा लो ना आप, ना करो है खाना खाओगे? नहीं राइस नहीं खा रहे, बस रोटी खाएंगे। आप खाओगे मूसा? आओ फिर खा लो जल्दी जल्दी खा लो।
देखो हेलो कैसे हो आप? कहाँ हो आप? आप हमें लिफ्ट क्यों नहीं करा पपीते? अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? आजो। कैसे हैं आप सब? आजो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम सलाम। आजो। मम्मा कैमरा कर ले। आओ इधर आओ किसी दो। हमारा कल व्लॉग आएगा। हाँ कल अब आएगा ना, मैं तो कल तुम्हारे घर आना था, तुम तो यहीं आ गए आज हैं भाई। इधर आओ पपी दो, पपी दो। कहाँ घूम के आए हो आप? लाहौर में। अच्छा ये देखो इनके दोस्त आ गए हैं जी, इनका तो पता है आपको। हेलो ये कौन सी गाड़ी है चाचू? कौन सी गाड़ी पे है? मर्सिडीज पे। हमने चाबी ले ली है और अब टूर मार के आता आपको पता, फिर मर्सिडीज को शशके तो शशके है ना, मर्सिडीज के। मर्सिडीज कोई आम ताम थोड़ी ना। हाय 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 गाड़ी बहुत ही प्यारी है, बाहर से भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी कौन सी है, ये C200। देखते हैं अगर अच्छी लगी तो आपका भाई फिर ले लेगा, क्योंकि आपके भाई को वैसे बड़ा शौक चढ़ा हुआ है आजकल मर्सिडीज का। अगर तो ये मुनासिब पैसों में हुई, अच्छी हुई, तो फिर हम वो वाली गाड़ी बेच देंगे, हम इस गाड़ी को रख लेंगे। ठीक है ओए इतनी सीट आगे क्यों की हुई है इसने? ओए इलेक्ट्रिक सीटें है भाई, इलेक्ट्रिक सीटें हैं, पर ये पीछे क्यों नहीं जा रही? जा रही है 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 भाई। गाड़ी बहुत ही प्यारी और सनरूफ वाली है और C200 है ये। इसके जो गियर शेयर होते हैं ना, आए हाय हाय चला के चेक करते हैं इसको, अगर तो ही प्यारी गाड़ी तो फिर इसका सौदा बना लेंगे हम। ये क्या चीज़ है जी? अच्छा ये मर्सिडीज का, इसी के तो पैसे हैं, इसी चीज़ के तो पैसे हैं भाई जान। अच्छा जी अब ये है जर्मन गाड़ी, हम चलाने वाले हैं पाकिस्तानी गाड़ी, जापानी गाड़ी, तो हमें ना इसकी नॉलेज ना सही तरह पता नहीं है, और ये इसकी मेरे ख्याल लाइटों के ऑप्शन है। बाकी इसका कंप्लीट रिव्यू तो बाद में देंगे, फिलहाल तो आपका वैसे चेक कर रहा है कि ये है कैसी, स्टेयरिंग मेंटेनिंग कैसा है इसका, पेट्रोल एवरेज कैसी है, क्योंकि एवरेज का भाई मसला ही रहता है इन गाड़ियों की। हमें तो आ जाता है 20-20 की, 18-18 की एवरेज लेने की, छोटी गाड़ियों तो इतनी देती है। अब इसका तो मुझे नहीं पता, अभी चलाएंगे तो पता लगेगा, सीट और नीचे नहीं जा रही, लेकिन गाड़ी प्यारी है, भगा के देखते हैं कैसी है। सही है गाड़ी गाइस, गाड़ी सही है। तो जी गाइस ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। गुड बाय।